से बात करते हैं क्वार्टर फोर नंबर्स और साथ ही उनके ग्रोथ फैक्टर्स, आने वाले दिनों के लिए स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं उस पर आउटलुक को लेकर बात करने के लिए कंपनी के सीएमडी संजय कुमार अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका संजय जी, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो अगर कामकाजी मुनाफे और मार्जिन्स की बात करें, क्वार्टर फोर में मार्जिन्स के फ्रंट पर मल्टी क्वार्टर लो ट्रेंड्स नजर आए। इवन FY23 के लिए अगर मार्जिन्स देखें, मल्टी ईयर लो पर ये देखने को मिले, तो मार्जिन्स में इस कॉन्ट्रैक्शनस डिक्लाइन के पीछे की वजह, कंटिन्यूअस डिक्लाइन क्यों नजर आ रहा है? क्या मार्जिन्स अब बॉटम आउट हो चुके हैं और आगे रिवर्सल के साइंस नजर आते हैं आने वाले क्वार्टर्स में आपको? मार्जिन्स पर सबसे पहले आप अपना टेक दीजिए। अगर हम मार्जिन्स की बात करते हैं तो जैसे आपको पता है कि पिछले वर्ष हमारी जो स्टेटमेंट थी उसमें 50 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम था। उसकी वजह से भी आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा पिछले साल जो हमारा मार्जिन था वो थोड़ा सा ज्यादा था दिख रहा है। और तो हमारा मार्जिन इनफैक्ट पिछले साल भी के मुकाबले अगर देखें तो उतना ज्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मार्जिन्स पर प्रेशर हम लगातार देख रहे हैं बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट बिजनेस सेगमेंट है उसमें हमारा काम ज्यादा बढ़ा। टेलीकॉम बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ है बट उन प्रोजेक्ट्स के साथ है जहाँ पे आईटी प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं उनके साथ जो टेलीकॉम बिजनेस आता है। प्योर टेलीकॉम रिक्वायरमेंट्स अब बहुत समय से हमारे पास नहीं है बट वी आर कंटिन्यूइंग। हम लोग अभी भी टेलीकॉम सेगमेंट में उतना खराब नहीं कर रहे हैं, 10 से 15% की ग्रोथ हमारी लगातार उस सेगमेंट में भी हो रही है। हमारा टारगेट होगा कि उसको भी हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो मार्जिन की जहां तक बात है प्रेशर की तो वो रहने वाला है और अगले साल में भी हम लोग 20% के आसपास के मार्जिन के आसपास रहने की कोशिश करेंगे। कुछ टेलीकॉम में बिजनेस हमारा बढ़ेगा उससे भी हमें मदद मिलेगी। कुछ हमारे जो मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट है जैसे वाईफाई का हमने रिसेंटली मोनेटाइजेशन का एक पार्टनरशिप शुरू किया है एक आईटी कंपनी के साथ तो उससे भी हमें मदद मिलेगी हमारे ओवरऑल मार्जिन को मेंटेन करने में। बिल्कुल मिस्टर कुमार, प्रोजेक्ट बिजनेस रेवेन्यूज की अगर बात करें, यहाँ पर हमने एक शार्प इंक्रीज देखा है क्वार्टर फोर में, लेकिन ये अब भी आपके गाइडेंस जो आपने दिए थे FY23 के लिए उससे कम है। तो क्या ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम दिस सेगमेंट जो है आगे चलकर एक बेहतरी के साइन और ज्यादा देगा? ऑफकोर्स इंप्रूवमेंट है, लेकिन गाइडेंस की तरफ पहुंचता हुआ दिखेगा? और ओवरऑल रेवेन्यू गाइडेंस FY24 के लिए आप क्या आय कर रहे हैं? FY24 में हम लोग 2500 से 3000 के बीच में कोशिश होगी कि 3000 का नंबर हम लोग टच करें रेवेन्यू की जहां तक बात है। और अगर आप बात करें पिछले साल प्रोजेक्ट से जो हमारा गाइडेंस था 1000 करोड़ का तो पिछले साल चूंकि मोस्टली बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर एंड सप्लाई चेन इश्यूज थोड़े से प्रोलॉन्ग हो गए थे। उस वजह से Q3 में आपने देखा होगा हमारे बिजनेस पे अच्छा खासा असर पड़ा था। अब हम देख पा रहे हैं कि इस वर्ष हमें इस तरह की कोई चुनौती नहीं नजर आ रही है तो हम प्रोजेक्ट बिजनेस से कम 1500 करोड़ का व्यवसाय करेंगे। बिल्कुल संजय जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो रियल टेल के मैनेजमेंट से यहाँ पर उनके